बस्म wa अगर जिस समय अचानक सुस्ती और कमजोरी पैदा होने लगे तो आपको नजरें बद लगी है पंखे साफ करके अगर परों के किनारों पर मट्टी का तेल लगा दिया जाए तो परों पर जंग नहीं लगता चावल पकाते वक्त अगर देगची के तले में थोड़ी सी दही लगा दी जाए तो चावल नीचे से लगेंगे नहीं दूध गर्म करके इसमें तखम मलंगा डालकर पीने से पुरानी कब्ज खत्म हो जाती है सफेदे के पत्ते की चाय बनाकर पीने से मैदे की तजाबियत ख़त्म हो जाती है अमरूद के पत्ते कोट कर लेप बना लें और इसमें जैतून का तेल मिलाकर सफेद बालों पर लगाएं बाल काले हो जाएंगे जिनको कमर में शदीद दर्द रहता हो वो निहार छुआरे खाया करें दारचीनी शहद में डबोकर चबाने से वजन कम होता है जो का आटा भून इसमें दूध मिलाकर शाम के वक्त पीने से जिसम की कमजोरी दूर होती है बाजरा की रोटी बनाकर खाने से बाल लंबे और काले होते हैं गाय के दूध में देसी शक्कर डालकर कर पीने से फालिज की बीमारी खत्म होती है मसाने में कमजोरी का मसला हो पेशाब के कतरे आते हो तो सफेद दिल में मिश्री मिलाकर खाने से आराम मिलता है अगर रंग को निखारना चाहते हैं तो खालिश हल्दी पीसकर जीरो के कैप्सूल भर लें और शाम के वक़्त रोजाना एक कैप्सूल दूध के साथ पीते रहें रंग निखर जाएगा कच्चा केला खाने से मुंह की जल्द ताज़ा रहती है जिस पानी में अंडे उबाले जाएं वो पानी बच्चे को पिलाने से बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है जो लोग मिसवाक करते हैं वो कैंसर की बीमारी से महफूज रहते हैं वैजलिन में वैक्स बाम मिलाकर एड़ियों पर लगाने से फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं केल महासों वाली जगह पर रात को वैजलिन लगाकर सोने से महासे खत्म हो जाते हैं अगर पेट की चर्बी बढ़ रही है तो खाने के साथ कच्ची मिर्च जरूर खाया करें जो लोग पानी कम पीते हैं इनमें खून की कमी का मसला हो जाता है अगर बगैर किसी नुकसान के वजन कम करना चाहते हैं रोजाना निहार मुँह एक मुट्ठी भुने हुए चने खा लिया करें अगर हाथ पांव सुन हो जाते हैं तो सुबह के वक्त नीम गर्म पानी में एक चुटकी नमक और एक चम्मच शहद मिलाकर रोजाना पिया करो ये मसला दोबारा नहीं होगा खीर में मेवे शामिल करते वक्त अगर थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ या नारियल में डाल दिया जाए तो खीर की लज्जत बढ़ जाती है अगर गला ख़राब हो जाए तो 12 घंटों तक मलटी मुंह में रखकर रह चूसते रहो गला ठीक हो जाएगा अगर कालीन वगैरह पर चाय गिर जाए तो फौरन थोड़ा सा नमक छिड़क दें और इसके बाद दाग वाली जगह को भिगे हुए कपड़े से साफ कर लें दाग मिट जाएगा अगर गर्मी की वजह से होठ स्याह हो जाए तो चुकंदर का टुकड़ा काट कर होठो पर मसलते रहो होठ गुलाबी हो जाएंगे रात के वक्त मीठा सोडा गीला करके सैंडविच मेकर पर छिड़क दें और सुबह उठकर सैंडविच मेकर साफ कर लें सैंडविच मेकर चमक उठेगा शहद की मक्खी काट जाए तो नमक और सिरका मिलाकर कटी हुई जगह पर लगाएं सूजन नहीं आएगी अगर दांत में दर्द हो तो नमक और सरसों का तेल मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं नमक दर्द को खींच लेगा खरबूजे के छिलके सुखाकर इनका पाउडर बनाकर रख लें और जब भी गोश्त पकाएं तो एक चुटकी पाउडर डाल दें गोश्त जल्दी गल जाएगा अगर मक्खियों से तंग हो तो घर के कोने में ताज़ा पुदीना रख दो मक्खियां कभी भी घर में दाखिल नहीं होंगी प्याज काटने के बाद हाथों से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है बदबू को खत्म करने के लिए उंगलियों पर नमक अच्छी तरह मल लें और इसके बाद गर्म पानी से हाथों को धो लें बदबू खत्म हो जाएगी अगर घर में खुशबू पैदा करना चाहते हैं तो जलती हुई आग में संगतरे के चंद छिलके डालने से से पूरे घर से आने लगेगी। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का और हेल्थी करें और दोपहर को रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा जिन अफराद के अंदर खून की कमी हो वो बैंगन खा लिया करें बालों में नमकीन पानी लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे ज़्यादा ठंडा पानी दिल की नसें कमज़ोर कर देता है जो कि दिल के दौरे का सबब बनती है अखरोट खाने से हमेशा रंग गोरा रहता है अगर आपके पुठों और जोड़ों में कसरत से दर्द रहने लगे तो कसरत से या अल्ला या अल्लाह का कीजिए इंशाल्लाह अफाका होगा अगर अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं तो रोटी में नमक का इस्तेमाल कम किया करें यानी आटे में भी नमक बिल्कुल कम इस्तेमाल करें बकरी का दूध चेहरे का रंग निखारता है खांसी में मुफीद मकवी बाह और मिसाना के जख्म को दुरुस्त करता है फलाद से भरपूर और दमा के लिए अक्सर है सीने की जलन ख़त्म अमराज पेट में मुफीद है सफेद गुलाब के फूलों का अरक अपनी निगरानी में निकलवाएं या किसी अच्छी हकीम से ख़रीद लें ये अरक एक कप सुबह दोपहर शाम खाने से घंटा पहले या बाद में पी लें यह कोर्स तीन महीने लगातार करें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल हो जाएगी नहायत आजमादा है जावत्री और शकर बारीक बना लें। दो ग्राम पानी के साथ दिन में दो बार लें। चंद दिन इस्तेमाल करें परेशान कुन मर्ज से निजात मिलेगी किस्त शर्तेवन चटाक एक चमच लें और इनको अच्छी तरह पीस कर दोनों को मिक्स कर लें और सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें इंशाल्लाह मुकम्मल आराम आ जाएगा हर खाने के बाद ताज़ा नारियल का छोटा टुकड़ा आधी उंगली जितना खाने से बड़ा हुआ पेट खत्म हो जाता है आज मुद्दा है अगर ताजा नारियल मैसर ना हो तो तो खुश्क खोपरा लेकर इसे पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं गला शरीर ख़राब हो तो प्याज का रस निकालकर एक चम्मच पिएं और प्याज को गोदा गले पर बांध लें थोड़ी सी बदबू आएगी मगर आइंदा पूरा साल इन गला ख़राब ना होगा अपने हाथों पर दही का लेप कर लें कुछ देर बाद उसे धो लें इससे आपके हाथ नरम और खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته मैं अब्बा की अकलौती बेटी थी मेरी अम्मा मेरे बचपन में ही वफात पा चुकी थी मैं अकेली थी घर में अब्बा के सिवा मेरा कोई ना था और अब्बा के बाद अगर मेरा अपना था तो वो मेरी खाला थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी अपने बच्चों से बढ़ कर वो मुझे चाहती थी अक्सर खाला को छेड़ती थी कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार ज़रूर किसी लालच में करती है जिस पर खाला नाराज़ हो जाती और कहती मेरे खलोस को तुम क्या समझ बैठी हो तो मैं फौरन इनसे माजरत कर लेती थी क्योंकि खाला भी जानती थी मैं बस इनको तंग करती हूँ तो वो ज्यादा खफा ना होती थी मैं बड़ी मेहनत से इनको मनाती थी मेरे अब्बा काफी अमीर थे इनकी फैक्ट्री थी जिसमें इन्होंने बहुत सारे मुलाजिम भी रखे हुए थे मैं अक्सर छुट्टियों में खाला के घर जाती थी छुट्टियां गुजारने अब की बार भी मैंने अब्बा से जिद बांधी हुई थी कि मैं इस बार भी छुट्टियां गुजारने खाला के घर जाऊंगी मगर अब्बा नहीं मान रहे थे मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी अब्बा को मनाने की मगर वो थे कि मान ही नहीं रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे पहले तो वो मेरी थोड़ी सी जिद पर मान जाते थे अब तो वो खाला का नाम लेते हुए मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर देते थे मैंने ज़्यादा जिद तो कहने लगी कि बस खामोश रहो मैंने कहा है ना, तुम इस दफा कहीं भी नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी अब मैं तुम्हारे मुंह से खाला का नाम न सुनूँ ये ना हो अब की बार मुझे तुम्हें समझाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़े अब्बा मेरी जिद पर अचानक ही भड़क उठे थे मैं होंकों की तरह अब्बा की सूरत देख रही थी आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो अब्बा इस कदर गुस्से में आ गए थे इनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने खाला के घर जाने की बात ना की हो बल्कि कोई गुनाह सरजद कर बैठी हो मुझे इनके बर्ताव की वजह से समझ नहीं आई थी इसलिए मैंने वजह जानने के अलावा अब्बा से पूछा था अब्बा इसमें जिद की क्या बात है मुझे जाना है हर बार तो जाती हूँ न अब की बार ऐसा क्या है जो आप वहाँ का नाम लेने पर नाराजगी दिखा रहे हैं मैं भी अब्बा के इनकार पर इनके सामने डट कर खड़ी हो गई थी मैं अकलौती थी इसलिए अब्बा मुझे कहते भी कुछ नहीं थे और मैं भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाती थी अब भी मैं ऐसा ही कर रही थी असल में हमारे पास हर किस्म की आसाइश थी लेकिन मुझे खाला के इस छोटे से घर में मज़ा आता था वहाँ मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता था तो बात नहीं समझ रही हो पहले की बात और थी अब की बात और है अब्बा ने मुझे जिद पर अटके देखा, तो गुस्से के बजाय नरमी से समझाना चाहा। अब्बा मुझे भी तो बताएं पहले मैं और अब में क्या फर्क है मैं दोनों बाजू सीने पर बांध कर इनके सामने खड़ी हुई थी बोली थी जिस पर अब्बा ने मुझे, मुझे मजीद गुस्से से देखा था बेटा पहले तुम छोटी थी और तुम्हारी खाला के बच्चे भी छोटे थे मगर अब सब बड़े हो गए हैं और आजकल जो हालात चल रहे हैं मैं इनसे खौफ जदा रहता हूँ मुझे अपने साय पर भी भरोसा नहीं है जब मैं जाऊँगा तब तुम मेरे साथ चली जाना लेकिन अब यू अकेले नहीं जा सकती तुम और वैसे भी वो लोग इतने भी अच्छे हालात से नहीं गुजर रहे कि तुम्हारे भी आओ भगत कर सकें दौलत हमारे पास है इनके पास नहीं इसलिए दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहिए अब तुम बच्ची नहीं हो समझदार हो लोगों पर इतना अंधा एतमाद करना अच्छी बात नहीं है बेशक वो तुम्हारी खाला है तुमसे मोहब्बत करती है लेकिन मर्दों की फितरत से तुम अभी वाकिफ नहीं हो इसलिए अच्छा नहीं लगता यूं किसी के घर जाकर रहना अब्बा ने मुझे एक बार फिर से प्यार से समझाया था मगर मैं हर धर्मी से इनके सामने खड़ी रही थी तो क्या बड़े होने से रिश्ते बदल जाते हैं अब्बा रिश्ते तो वही रहते हैं ना अब्बा आप इतना मनफी ना सोचें खाला बहुत मखलूस है मुखलिस है और मुझसे मोहब्बत करती है मुझे भी इनसे मोहब्बत है अब्बा दे देना इजाज़त प्लीज़ मैंने कोई गलत फरमाइश तो नहीं की जो आप इस तरह मुझ पर रोक टोक कर रहे हैं मैंने इनके पास बैठकर अपने बाजू लाड़ से अब्बा के गले में डालते हुए कहा तो अब्बा ने जैसे मेरे सामने हथियार डाल दिए थे और मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी मैं इनकी इजाजत देने पर खुशी से उछलती कूदती अपने कमरे में आकर जाने की तैयारियां करने लगी इस दौरान मेरे अब्बा कमरे में आकर फिक्रमंद से मेरे पास बैठे मुझे देखते रहे थे मगर मैं अब्बा की फिक्र ना समझते हुए अपनी खुशी से मगन अपनी चीजें बैग में रखती रही फिर कुछ ही देर में अब्बा ने अपने मुलाजिम से कहा तो वो मुझे खाला के घर ले गया जाने की खुशी ने मुझे निखार दिया था मैं हस्ती मुस्कुराती खाला के घर की तरफ रवाना हो गई थी मैं जब खाला के घर पहुंची तो मेरी खाला बेचैनी से मेरा इंतजार करती दरवाजे के पास ही खड़ी थी मुझे अपनी खाला की ये आदत बहुत अच्छी लगती थी वो मेरा इंतजार बेसब्री से करती थी तो मेरी खाला ने मुझे बड़े प्यार से अपने गले से लगाया और मेरा माथा चूमते हुए मुझे अपने साथ लगाए अंदर ले गई सभी मुझे बड़ी गर्म जोशी से मिले थे मैं इनका इस कदर प्यार देख कर खुश हो गई थी मुझे इसलिए तो यहां आना इतना पसंद था। कितने पुरखलोस थे वो सब और अब्बा न जाने क्या क्या सोचते फिर रहे थे मैंने सर झटका था शुक्र है बेटा तुम आ गई हो मैं तो बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था मेरे बैठते ही मेरे खालों ने मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा तो मैं भी जवाब में मुस्कुरा दी थी मेरे खाला के दो बच्चे थे एक बेटी और एक बेटा था बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा अभी कुंवारा था खाला ने खाना मेरी पसंद का बनाया था मुझे बड़ी खुशी हुई थी मेज़ पर अपनी पसंद का खाना देखकर खाना खाने के बाद मैं खाला के साथ अपने मखसूस कमरे में आई और अपने कपड़े निकाल कर बदलने लगी जब खाला दोबारा मेरे कमरे में आई थी क्या हुआ कोई बेहूद हुई है क्या यूं खामोश क्यों हो मेरी बच्ची मैं कपड़े बदल कर बेड बैठी थी बेड पर बैठी थी जब खाला कमरे में आई थी मुझे बेड पर खामोश बैठते देख कर खाला ने फिक्रमंदी से पूछा था नहीं खाला कमरा तो अच्छा है बस ऐसे ही थक गई हूँ इसलिए शायद मैंने खाला को देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया था तो वो मेरे पास ही बैठ गई और फिक्र से बोली थी हाँ सफर भी ज़्यादा था ना इसलिए थक गई होगी चलो लेट जाओ मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ फिर तुम्हारी नाफ में तेल लगा देती हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा खाला मुझे नरमी और प्यार से कहती उठकर चल दी थी इनके जाने के बाद मैं आराम से लेट गई और अपनी कमर सीधी करने लगी मैं सोच रही थी अगर अब्बा इस वक्त खाला की यूँ मेरे लिए मोहब्बत देखते तो मेरी किस्मत पर रश करते ते ही न जाने इनको अजीब किस्म के वहम क्यों लाक हो गए थे जब कुछ ही देर में खाला हाथ में चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुई तब मैं हल्की सी नींद में जा चुकी थी खाला की आवाज़ पर मैं सीधी होकर बैठ गई और इनको देखकर मुस्कुरा दी तुम्हारे अब्बा नाराज तो नहीं हुए यहाँ आने को लेकर खाला ने मुझे चाय पीते देख कर से पूछा तो मैं इन्हें देखकर शर्मिंदगी से सर झुका गई अब आखिर इन्हें अब आखिर मैं इनको क्या बताती कि अब्बा मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे और आज मैं जिस तरह यहाँ आई हूँ ये मैं ही जानती थी पर खाला को मैं ये बता ना सकी इनके सामने मैं सर झुका गई थी और जल्दी से बात बदल दी थी खाला अब्बा ने क्या कहना था इनकी इजाज़त के साथ ही यहाँ आई हूँ ना वरना आपको क्या लगता है अगर अब्बा इजाज़त ना देते तो मैं यहाँ आई आती वैसे खाला आप भी अजीब किस्म की बातें कर रही हैं अब्बा मुझे कभी यहाँ आने के लिए नहीं रोक सकते आप हैं ही इतनी अच्छी मैंने बात का रुख तो मोड़ दिया था लेकिन दिल में ख्याल आया था अब्बा का मुझे यहाँ ना आने देना और खाला का आज पहली बार ये सवाल पूछना क्या कोई ऐसी बात थी जो अब्बा और खाला के दरमियान हुई जिसका मुझे इलम नहीं मैंने चाय ख़त्म करके कप सामने मेज़ पर रख कर सर झुकाकर शर्मिंदगी से झूठ बोला था अब मैं इनको क्या बताती कि अब्बा कितना भड़क रहे थे मेरे यहाँ आने पर मेरे झूठ पर मेरी खाला का चेहरा खुशी से दमक उठा था मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मुझे क्यों रोक रहे थे मगर मैं ये बात खाला को बताकर इनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी लेकिन मैं अब बच्ची तो ना रही थी अब समझदार थी मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था लेकिन वो क्या था मैं समझने से कासिर थी मुझे यहाँ आए दूसरा दिन था जब मेरी खाला मेरे कमरे में आई इनके हाथ में तेल था वो तेल लिए मेरे पास आ गई और बोली आओ बेटा तुम्हारे नाक में तेल लगा दूं। मैंने हैरत से खाला को देखकर अभी कल ही तो लगाया था इन्होंने तेल कल में इतनी थकी थी मुझे लगा थकन दूर करने के लिए खाला ने लगाया है तेल लेकिन आज तो थकन नहीं थी फिर ये सब क्यों मैंने दिल में सोचा और पूछा ये किसके लिए है खाला मेरे सवाल पर खाला धीमे से मुस्कुरा दी और बोली बेटा इस तेल से तुम्हारे बाल लंबे होंगे और नींद भी अच्छी आएगी मैं खामोशी से खाला के सामने लेट गई और खाला ने तेल लगा दिया इसके बाद मैं जल्द ही नींद की वादियों में जा चुकी थी अब ऐसा रोज़ होने लगा तेल लगाते ही मैं गहरी नींद में डूब जाती और मुझे कोई होश ना रहता ये सिलसिला काफ़ी रातों तक चलता रहा था अब खाला रोज़ रात को मेरे नाक में तेल लगाती लेकिन अजीब बात यह थी कि रात में जब मेरी आंख खुलती तो मेरे पाँव वाली साइड पर खाला का बेटा बैठा होता और रो रो कर मुझसे माफ़िया मांग रहा होता था मैं एक रोज़ तो इसे देख कर हैरान ही हो गई थी लेकिन वो ऐसा था झल्ला सा इसलिए मैंने पहले तो इस बात को ज़्यादा अहमियत ना दी थी मगर जब हर रोज़ रात को ऐसा होने लगा तो मेरा माथा थक गया मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया था मुझे अब अपनी इज्जत की फिक्र पड़ गई थी इस रात भी मुझे जब मैं होश में आती तो खाला का बेटा बोल रहा था मुझे माफ़ कर दो मैंने ये सब अम्मी के कहने पर किया है मैं ये सब करना नहीं चाहता था मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर इसकी इस बात का क्या मतलब है ये बातें मेरे दिमाग में जैसे चिपक सी गई थी सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर शदीद तो मेरा सर शदी दर्द कर रहा था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है सोच सोच कर जब थक गई तो अपना सर पकड़ लिया अब मुझे अब्बा की कई बातें समझ आने लगी थी पता नहीं इस राज अब सब वहम था या मेरे दिमाग का फतूर लेकिन पर्दा तो उठाना ही था इस राज को जानने की शुरुआत मैंने अपनी खाला से ही की थी क्योंकि इनके बेटे के मुंह से वो अल्फाज सुनकर मैंने ये सब अम्मी के कहने पर किया है मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई थी क्या मुझे नज़र आ रहा था वो सब धोखा था या यह यही हकीकत थी जिसे मैं मानने को तैयार ना थी क्या वाकई इतनी मोहब्बत करने वाली खाला कुछ गलत सोच सकती थी नहीं ज़रूर कोई और वजह है मैं उलझन का शिकार हो चुकी थी क्या हुआ मेरे बच्चा इतना दास क्यों बैठा है सब ठीक तो है ना अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बता दो बताने से दिल हल्का होता है मैं छत पर खामोशी से बैठी अपने साथ होने वाले वाक्य को सोच रही थी जब मेरी खाला छत पर आई और मेरे पास बैठकर बड़े प्यार और लाड से मेरे सर पर शफक़त से हाथ रखती बोली थी शायद इन्होंने मेरी चुपी सी बहुत कुछ अगज़ कर लिया था मैं सोच रही थी इनको मेरी इतनी फिक्र है वो मुझसे कितना प्यार करती थी भला वो मेरे साथ कुछ गलत कैसे कर सकती थी मैंने अपनी सोचों को रद्द किया और खाला को देखा बस वैसे ही आज मौसम अच्छा था उनसे लुत्फ अंदोज़ हो जाऊँ इसलिए मैं यहाँ आ गई मैंने खाला का हाथ पकड़ा और आयिगी से दबाते हुए वजा दी तो जैसे इनका रोका हुआ सांस बहाल हुआ था मैंने महसूस किया था इनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई थी मैं खामोशी से इनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखती सर झटक गई थी देर थोड़ी देर बाद खाला उठकर नीचे चली गई तो मेरी सोचों का रुख इसी बावजूद भी खाला की और तरफ मुड़ गया मैं न वो नाफ़ में तेल लगाना इसके बाद मेरा नींद में चले जाना और रोज़ खाला के बेटे का कमरे में वही जुमला कहना पागल होने को थी एक दिल किया कि घर सोच सोच कर वापस चली जाऊँ अब्बा ने भी फ़ोन किया था लेकिन अब मैं हकीकत जानना चाहती थी इसलिए जाने का इरादा तर्क कर दिया और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं और कैसे पता करूं कि खाला के बाद इनका बेटा कमरे में आकर मेरे साथ क्या करता था रात के इस वक्त और इसकी बात का क्या मकसद था जो वो रोज़ कहता था कि अगर खाला से कुछ कहती तो बदनामी मेरे भी होती इसलिए खौफ से इनको कुछ ना कहती मेरी सोचें भटक भटक कर रात वाले वाके पर जा रही थी मैं अपनी जगह से उठी और आस्तगी से चलती छत से नीचे चली आई थी जब मैं छत से उतर कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो सामने से खाला का बेटा आता हुआ नज़र आया था इसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी इसकी नजरें झुक गई थी वो मेरे पास से गुजरा मगर इसने मेरी तरफ देखा तक ना था इसकी इस हरकत पर मैं और उलझ सी गई थी रात को मेरे कमरे में आने वाला वो शख्स सारा दिन सामने ना आता और अगर आ जाता तो नजरें झुका लेता जैसे कोई गुनाह कर बैठा हो आखिर ये सब माजरा क्या था ये मेरे साथ हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अपने रुखते सर को दबाते हुए वहीं बैठ गई थी इतना सोचने के बाद भी मुझे एक भी बात समझ नहीं आ रहे थे। मैं हौसला करती अपने कमरे में आई। मैंने वही बैठे बैठे एक मंसूबा तैयार किया और इस पर अमल करने के लिए रात का इंतजार करने लगी। शाम हुई तो हाथ धोकर ताजा दम होती कमरे से बाहर आई तो घर के सब फर्द बाहर बैठे खाना खाने की तैयारियां कर रहे थे मुझे आता देखकर मेरे खालू ने मुस्कुराकर कहा आओ बेटी मैं चलती हूँ खाला के पास वाली कुर्सी पर कुर्सी पर बैठ गई थी आज मैंने हमेशा की तरह मेज़ पर खाना आ, लगाने में खाला की मदद नहीं की थी बल्कि खामोशी से बैठ गई थी मुझे अब लगने लगा था कि खाला का बेटा मेरी इज्जत का लुटेरा है इस शख्स को देखते ही बहुत गु़स्सा आया था मगर मैं खुद पर बांध बांधते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही थी मैं एक बात समझ गई थी कि अब समझदारी का मज़ाहरा करके मुझे सच तक पहुंचना था इसलिए मुझे इन सब के साथ अच्छा ही बनकर रहना था मेरा खाना खाने का थोड़ा सा भी दिल नहीं था मगर सबको दिखाने के लिए बुरे दिल से खाना खाने लगी थी बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मतलब कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे मैंने अभी पहला नवाला ही मुंह में रखा था जब खाला ने मेरे पास बैठते हुए बड़ी राज दराना में पूछा था मैं जो अपने ध्यान में खाना खा रही थी खाला की बात पर न समझी से इनको देखने लगी मुझे इनकी बात का मतलब ही समझ नहीं आया था इसलिए खाला से पूछ लिया क्या मतलब खाला मेरी तबीयत को क्या होना था भला मेरी आवाज इतनी ऊंची तो थी कि पास बैठे खालू और इनका बेटा सुन लेते और घबराकर अपने बेटे और शोहर की तरफ देखा मगर वो खाना खाने में मगन थे जिस पर खाला ने शिकर का सांस लिया था नहीं बेटा मेरा मतलब ये था कि कल से तुमने ठीक से खाना नहीं खाया इसलिए कमजोरी से चक्कर तो नहीं आ रहे खाला के लहजे में लड़खड़ाहट से मुझे मामला गड़बड़ लग रहा था नहीं खाला मैं बस ठीक हूँ सुबह सर दर्द हुआ था वो भी अब ठीक है और खाना छोड़कर अपने कमरे में चली आई मैं अब खाला का इंतजार करने लगी थी कुछ देर ही हुई थी कि खाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और सीधा मेरे पास आकर रुकी थी खाला ने मेरे नाफ पर तेल लगाया और खामोशी से मेरे कमरे से निकल गई थी इनके जाते ही मैंने जल्दी से अपने नाफ पर लगा तेल साफ किया था मगर साफ करते करते भी मैंने गनोदगी में जाते जाते बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था मगर संभालते ही संभलते हुए भी मैं बेड पर गिर गई थी। दोबारा होश आया तो वही मंजर था आँखों के सामने जो इतनी रातों से नजर आ रहा था मैंने अपने मनसूबे के फेल होने पर जी भर कर खुद को साथा। था मुझे खाला के जाने का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था से साफ कर देती तो ये नौबत ना आती और मैं सारा सच जान जाती। मगर अब क्या हो सकता था मैंने खाला के बेटे से कुछ पूछना चाहा लेकिन वो कुछ ना बोला बस अपने वही फिक्रे दोहराता रहा और चला गया मैं खामोशी से लेट गई अब मैंने एक और तरीका सोचा था सच जानने का मैंने सारा दिन बेचैनी से गुजारा था मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था अब की बार मैंने ऐसा मंसूबा तैयार किया था जिसके फेल होने का कोई चांस नहीं था खाना खाने के बाद मैं हमेशा की तरह उठी और कमरे में आ गई रात काफी हो गई थी खाला जैसे ही तेल लेकर मेरे कमरे में आई पीछे से खालू की आवाज पर मैंने इनके हाथ से तेल की शीशी लेते हुए खुश दिली से कहा खाला मैं लगा लेती हूँ आप खालू को चाय दे दें वरना वह गुस्सा करेंगे मेरी बात सुनकर खाला ने बड़ी मिनटों के बाद मुझे वो तेल वाली शीशी पकड़ा दी अभी लगा लो ठीक है बाल देखो पहले से काफी अच्छे हो गए हैं वैसे भी भाई साहब अब तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं घर जाने से पहले काम हो जाए तो अच्छा है वो अजीब अंदाज में बातें करती जा चुकी थी मैंने मौका पाते ही खाला वाली शीशी से तेल निकाल कर इसे दूसरे तेल से बदल दिया और भाग कर बेड पर लेट गई कुछ ही पल गुजरे थे कि खाला फिर से मेरे कमरे में आई थी और मुझे सोता पाकर बड़ी एहतियात से मेरी कमीज उठा कर देखा ताकि मैंने तेल लगाया है कि नहीं मेरी नाफ पर तेल लगा देखकर खाला ने इस पर और तेल लगा दिया और कमरे से बाहर निकल गई मैं खामोशी से अपनी जगह पर पड़ी रही रात धीरे धीरे गुजर रही गुजार रही थी तभी मेरी आँखों ने जो देखा मुझे इस पर यकीन ही नहीं आया था मेरा सांस सीना ही रोक गया था यह सब देख कर देख और सुन कर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं था हो रहा था कि जो मैं सुन चुकी थी वो सच था ऐसा कैसे हो सकता था क्या लोगों के इतने चेहरे होते हैं मैं साकत सी रह गई थी मुझे अब समझ आई थी कि मेरे अब्बा मुझे यहां आने से क्यों रोकते थे मेरे जहन में अब्बा की सारी बातें गूंज रही थी इनके चेहरे की फिक्र और परेशानी मुझे अब समझ आई तो निदामत से सर ना उठा पा रही थी मैं इनको कितने कड़े इम्तिहान में डाल आई थी यहाँ आकर खाला इस कमरे में लेकर आई थी देखो अफजल तुम रोज यहाँ इसके साथ होते हो तो अब तक ये हमला क्यों नहीं हुई मुझ में अब सब्र नहीं रहा जल्द तुम अपना काम मुकम्मल करो ताकि इसकी शादी तुमसे करवा कर मैं वो दौलत हासिल कर सकूँ जिस पर इसका बाप और ये अकेली हक जमा कर बैठी हुई है मेरी बहन के मरने के बाद इसके बाप को चाहिए था कि इसके हिस्से ही की जायदाद मुझे देते लेकिन नहीं कंजूस कहीं का अब कभी सीधी उंगली से नहीं निकाला तो उंगली टेढ़ी ही करनी थी मुझे वो मक्कर मुस्कुराहट सजाकर बोलती कमरा बाहर से बंद करती जा चुकी थी मैं झटके से उठ बैठी थी मुझे यूं उठते देखकर अफजल को पता लग गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ इसलिए उसने भी खामोशी से सर झुकाकर मुझे सच बता दिया कि ये अब इसे इसकी माँ ने करने को कहा था उसने कसम उठाकर कहा था कि उसने आज तक मुझे हाथ तक ना लगाया था अपनी माँ की वजह से यहाँ रात गुजार कर चला जाता था इसलिए मेरी इज्जत महफूज रही थी इसका मतलब साफ था अब्बा को पहले ही खाला की नीयत में खोट नज़र आता था इसलिए वो मुझे यहाँ ना आने देते थे मेरे यहाँ आने के बाद अम्मा को एक एक मीटिंग की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा था लेकिन वो मुझे फ़ोन लाजमी करते थे आज मेरा यकीन खूनी रिश्तों पर से उठ गया था मुझे खुद से नफरत होने लगी थी कि और ऐसी औरत के लिए अपनी जान से प्यारे अब्बा से लड़ती थी ज़िद करती थी वो मुझे मना करते रहते और मैं बेवकूफ़ों की तरह इनसे ज़िद्द बांधती थी और इन्हें लालची लोगों के पास चली आती थी इनके लालच का निशाना बनने के लिए अल्लाह ने मेरी इज्जत महफूज रख ली थी वरना एक अकेले मर्द के साथ एक कमरे में मैं क्या महफूज रह सकती थी मुझे अपनी हालत से सख्त नफरत हो रही थी वो इस कदर घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी इनको जरा एहसास ना था कि इनकी भी एक बेटी है इन्होंने अपने चेहरे पर अच्छाई का निकाब डाल रखा था जो कि अब उठ चुका था मैं दम साधे इस साधे इसकी बातें सुन रही थी जो सच बता रहा था मैंने हमेशा अम्मे की बातें सुनी है मगर इन पर कभी अमल नहीं किया इसलिए मैं इनके मजबूर करने पर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सका मुझे माफ कर देना मैं ऐसा नहीं चाहता था और ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अगर शादी होगी तो अम्मा कामयाब हो जाएगी तुम शादी कर लो अपने जैसे किसी अमीर और अच्छे Claro que वो रुका नहीं था बल्कि कमरे से निकल गया था इसके जाते ही मुझे बाहर से सरगोशी में बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी थी मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई ताकि इनकी बातें सुन सकूं। न जाने और कितने राज खुलने बाकी थे मैं सुन सी हो चुकी थी रिश्तों का बहुत ही भयानक रूप मेरे सामने आया था तुम कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो इतने दिन हो गए तुम्हें इसके पास जाते हुए वो अभी तक हमला क्यों नहीं हुई ये आवाज़ मेरे खालों की थी जो हर वक्त मुझे बेटी बेटी कहते थकते ना थे इसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी मेरे बाप जैसे खालों किस कदर गंदी जहनत के मालिक थे मेरा तो सर चकरा कर रह गया था तुम्हारी आसानी के लिए इस लड़की के नाव में बेहोशी की दवा मिलाकर लगाती थी ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए मगर अफसोस तुम फिर भी इतनी देर क्यों कर रहे हो मेरे खालू मुसलसर अपने बेटे को बातें सुनाते जा रहे थे और वो सर झुकाकर खामोशी से सब सुनता जा रहा था हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। इन लड़की की सारी जायदाद बाद में तुम्हारे ही काम आएगी ना पागल इंसान कुछ करो इतनी जायदाद और फैक्ट्रियों के मालिक है ये लड़की इसे हाथ से जाने मत देना बेटा खालू मुसलसल बोल रहे थे मगर अब मैं दरवाजे के पास से हटकर बेड पर आकर बैठ गई थी कुछ देर ऐसे ही बैठी रही थी फिर मैंने कुछ सोचकर अपने अब्बा का नंबर मिलाया था अगली ही बेल पर अब्बा ने फ़ोन उठा लिया था अब्बा के फोन उठाते ही मैंने सारी बात एक एक करके अब्बा को सब बता दी थी और आखिर मैं खाला के बेटे की वकालत भी कर दी थी कि इसने अपनी माँ के लालच दिलाने के बावजूद मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया था अब्बा मेरी सारी बात सुनते ही गुस्से से मुझ पर बरस पड़े थे मैं खामोशी से इनकी बातें सुनती रही थी क्योंकि इस बार मेरी गलती थी मुझे अपने अब्बा की बात मान लेनी चाहिए थी कुछ देर में ही अब्बा खाला के घर पहुंच गए थे इन्होंने खालू और खाला को जी भर के बेइज्जत किया था मैंने भी अब्बा का पूरा साथ दिया था अफजल अच्छा इंसान था लेकिन अब्बा को ये रिश्ता मंजूर ना था मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन वो ना माने और मेरी शादी कहीं और कर दी अपने शहर के साथ दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गई थी बाद में मुझे पता लगा था कि खाला ने कितने घाटे का सौदा किया था मुझे खाला की सोच पर अफसोस हुआ जो जायदाद के लालच में आकर अपने बेटे से भी हाथ धो बैठी थी क्योंकि मेरी शादी के बाद अफजल ये गम बर्दाश्त ना कर सका था और उसने खुदकशी कर ली थी इसकी माँ इसके गम में पागल हो चुकी थी